चित्रकूट धाम में दीपावली मेले पर दीपदान करने जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपदान मेले का आयोजन चल रहा है। इस दौरान आज दीपावली के दिन यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही मंदाकिनी घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते हुए दीपदान कर रहे हैं। भगवान कामदगिरी की परिक्रमा और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं में चित्रकूट मेले को लेकर भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। तो वहीं स्थानीय फूल विक्रेताओं और पुजारियों का कहना है कि 2 साल के कोरोना के बाद यह पहली बार है जो इतना बड़ा मेला लगा है। दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना भी कामदगिरी भगवान से कर रहे हैं। बता दें कि चित्रकूट में भी अयोध्या की तरह ही दीपावली मनाई जाती है और यहां पर लाखों लोग कामदगिरी की परिक्रमा करने और मंदाकिनी व कामदगिरी पर्वत में दीप दान करने के लिए पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। दीपदान के लिए चित्रकूट में 25 लाख के लगभग श्रद्धालु तीर्थयात्री चित्रकूट पहुंच सकते हैं, ऐसा प्रशासन का अनुमान है। क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग भारी संख्या में चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया के दर्शन भी श्रद्धालुओं के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि सुचारू रूप से मेला चलता रहे। श्रद्धालु चित्रकूट आए, पूजा पाठ करें, दीपदान करें, परिक्रमा करें और सकुशल अपने घरों को लौट सकें। तो तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर, ये भीड़ बताती है कि किस तरीके से दीपोत्सव पर्व में अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने, मंदाकिनी नदी में स्नान करने, दीपदान करने लोग पहुंचे हैं और अलग अलग टोलियों में पारंपरिक तिवारी नृत्य का भी कई जगह आयोजन हो रहा है।